सर बिहारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है जो कि विश्व भर में मनाया जा रहा है, और ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी की तरफ से बिहार में भी इस रेड क्रॉस बिल्डिंग के पास से वॉकैथन का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर उपस्थित होने पर आप कैसा महसूस करें? इससे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगी। मैं डॉक्टर प्रभात रंजन, भौतिक चिकित्सक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली, और साथ में मैं ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का स्थापना करता हूं, और मैं इसमें अभी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की स्थापना जो है भौतिक चिकित्सकों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए किया गया है। अगर और जो इसका भौतिक चिकित्सा का जो साइंटिफिक एविडेंसेस जो हमें प्राप्त होते हैं उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए एकेडमिक रूप में, सोशल रूप में, जिस तरह से भी हो उसी के ध्येय से इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना में अभी जो इसके सचिव हैं डॉक्टर नवनीत कृष्णा, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर उमा शंकर मोहंती, उनके ही योगदानों की वजह से ये संस्था, या आप बोलें कि एक भौतिक चिकित्सकों का एक संगठन काफ़ी काम कर रहा है इसके ऊपर कि भौतिक चिकित्सकों का उत्थान हो सके। और आज जैसे विश्व भौतिक चिकित्सक दिवस है तो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी देश भर में कार्यक्रम कर रही है। कभी कहीं पे पोस्टर कंपटीशन चल रहा है, कहीं पे अलग अलग तरीके का लेक्चर चल रहा है, कहीं पे आप पेंटिंग कंपटीशन हो रही है, कहीं लोग अपने क्लिनिक पे कर रहे हैं, कोई निःशुल्क जाँच शिविर लगा रहा है। तो बहुत सारे भिन्न भिन्न कार्यक्रम भिन्न भिन्न भाग में चल रहे हैं भारत देश के। हाँ, तो इससे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एक दिवस के रूप में मनाया जाए, कहीं ना कहीं ये भौतिक चिकित्सकों के लिए उतना ये नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, इसीलिए इसको एक आयोजन के तौर पर मनाया जा रहा है। तो हाँ। सर फिजियोथेरेपी में क्या योगदान रहता है डॉक्टरों का? देखिए, भौतिक चिकित्सा दिवस जो है आपने सही कहा कि जागरूकता के लिए मनाई जाती है, और इसकी जो है जो इसके पीछे एक सोच थी कि यही कि लोगों के बीच में इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। बहुत सारे अभी जैसे हमारे सुबह में जो है माननीय मुख्य अतिथि श्री सी पी ठाकुर जी आए थे, तो उन्होंने भी बताया कि इसका हर क्षेत्र में, चिकित्सा के हर क्षेत्र में, आप चाहे हड्डी से संबंधित बीमारी हो, नसों से संबंधित बीमारी हो, इवन आज के परिवेश में जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़, मोटापा बढ़ रहा है, थायरॉइडिज्म बढ़ रही है, उसमें उसके लिए भी बहुत कारगर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है फिट इंडिया प्रोग्राम चलाया है, उसमें भौतिक चिकित्सकों का रोल काफ़ी अहम है, क्योंकि हम व्यायाम से मरीजों को ठीक करते हैं। दवा रहित इलाज है ये, एक दवा बिना कोई पिल्स लिए, बिना कोई सर्जरी किए, आप एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिहारी न्यूज़ में। और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, और इस मौके पर आप फिजियोथेरेपिस्ट के अबाउट, फिजियोथेरेपी के अबाउट लोगों को अवेयर करने में आपने भी यहाँ हिस्सा लिया है। तो सर सबसे पहले तो आपसे परिचय चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कृष्णा हुआ, मैं ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी में जनरल सेक्रेटरी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, नेटिव प्लेस गया है। और इससे पहले भी जो है काफ़ी सारे फिजियोथेरेपी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ, जैसे फिजियोथेरेपी के वर्कशॉप हो गया, कॉन्फ्रेंसेज हो गए जो नेशनल लेवल पे हो गए, और कॉन्फ्रेंसेज जो हुए उसमें मतलब काफ़ी सारे ओलंपियंस आए, कई सारे मिनिस्टर्स आए। और अभी अप्रैल में हम लोगों ने ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया, मैंने, प्रभात रंजन सर ने, मोहंती सर ने, डॉक्टर कुमार प्रीतम ने, एंड डॉक्टर मयंक पुष्कर ने। अच्छा, तो ये एक दिवस के तौर पर मनाया जाता है हर एक साल, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा है कि फिजियोथेरेपी को लेकर, फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। हाँ, तो जो एक्टिविटीज़ हो रही है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे में, हमारा जो है काफ़ी जगह हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पटना में हो रहा है, पटना के अलावा हमारे जो है बेंगलोर में हो रहा है, उसके बाद लखनऊ में हो रहा है, कानपुर में, ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है हमारा। तो इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रहा है उससे ज़्यादा जो है लोगों में जागरूकता फैलेगी, और लोगों के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट लोग भी ज़्यादा जागरूक होते हैं, और उनको भी लगता है कि नहीं, फिजियोथेरेपी में काफ़ी कुछ है करने को,
सिर्फ जो है क्लिनिकल या एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा सोशल भी काफी कुछ है करने को। बिना पिल्स लिए, बिना सर्जरी किए, फिजियोथेरेपी में बिना कुछ भी सर्जरी का, बिना कोई भी मेडिसिन का ही ठीक किया जाता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के द्वारा ही ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अवेयरनेस में यहाँ पे मौजूद हुए और लोगों को जागरूक किए।